चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट जेएस और हाउ टू डेवलप एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट जेएस। चलिए आज हमें यह देखना है कि रिएक्ट जेएस के साथ एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे या रिएक्ट जेएस के अंदर आप एप्लीकेशन डेवलप कैसे करते हैं। देखिए, इफ यू वांट टू डेवलप द एप्लीकेशन यूजिंग अ रिएक्ट जेएस, वी हैव अ सम फॉलोइंग स्टेप्स। राइट, क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले इंस्टॉल Node.js इन योर सिस्टम। उसके बाद इंस्टॉल दी Node.js एंड npm, ऐसा कहेंगे तो बेटर लगेगा, इन योर सिस्टम। सेकेंड स्टेज, क्रिएट अ रिएक्ट एप्लीकेशंस। एंड देन थर्ड, रन द रिएक्ट एप्लीकेशंस। ये तीन स्टेप्स हैं। अभी देखिए, सबसे पहले गाइज आपको Node.js और npm इंस्टॉल करना है। तो फिर ये Node.js क्या है, npm क्या है, ये मैं आपको आगे इंटरव्यू क्वेश्चंस के सीरीज में बताऊंगा, क्योंकि इसी वीडियो सीरीज में मैं जैसे भी एक चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, तब हम इन डेप्थ देखेंगे कि Node.js क्या है, npm क्या है, और npm के ऊपर तो मैं आपको एक पूरा वीडियो भी बना के दूंगा। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले अभी आपका पहला टास्क क्या है, इंस्टॉल द Node.js। सो कैसे, इफ यू वांट टू इंस्टॉल Node.js इन योर सिस्टम, राइट, यू कैन डाउनलोड द Node.js फ्रॉम फॉलोइंग URL। अगर आपको Node.js अगर आपको आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो आपको Node.js को यहां से डाउनलोड करना पड़ेगा। जस्ट वेट, डाउनलोड Node.js। देखिए अभी आप यहां आइए, Node.js.org नाम की एक वेबसाइट है, आप यहां जाइए, यहां आप इसे डाउनलोड कीजिए, यहां से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं यहां पेस्ट कर देता हूं। देखिए ये URL है जहां से आप Node.js को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे भी आप इस URL पे आते हैं, देखिए यहाँ लेटेस्ट वर्जन है, राइट, और यहाँ LTS है। सो अभी आप यहाँ ये, मैं यहाँ विंडोज इंस्टॉलर 32 bit, राइट, यहाँ पाइए, तो मैं यहाँ विंडोज का ये वर्जन लूंगा। यहाँ विंडोज इंस्टॉल के ऊपर आप क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर यहाँ आपको देखिए यहाँ आपको मिलेगा डाउनलोडिंग में। क्लियर? जस्ट वेट गाइस, इसे डाउनलोड होने दीजिए, जस्ट वेट। देखिए यहां पाइए, इसे फोल्डर में लेके जाइए, यहां जैसे भी ये है इसके ऊपर आप क्लिक करें, जैसे आप यहां डबल क्लिक करेंगे, जस्ट वेट, ये थोड़ा समय लेगा, राइट, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसे आप यहां कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट देन अगेन नेक्स्ट, राइट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। देखिए जस्ट वेट गाइस फॉर 2 minutes। जस्ट वेट एंड लास्ट में आपको यहां फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। देखिए यहां प्रेस कीजिए कंटिन्यू, अगेन कंटिन्यू, देखिए कुछ एडिशनल टूल्स इंस्टॉल कर रहा है, जस्ट यस। देखिए विंडोज का पावर शेल से क्लोज कर दीजिए। अभी आपका नोड हमने इंस्टॉल किया है, बट देखिए आपको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है, राइट, वंस वी इंस्टॉल Node.js एंड इफ यू वांट टू क्रॉस वेरीफाई Node.js installed or
नॉट, सो वी हैव अ फॉलोइंग स्टेप्स। अगर आपको चेक करना है कि नोड इंस्टॉल हुआ है या नहीं है, तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, यहां आप आइए। नंबर एक, आपको यहां कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। ओके, सेकेंड स्टेप क्या है, टाइप द कमांड नोड डैश डैश वी, यहां पे आप आइए और यहां लिखिए नोड डैश डैश वी, सॉरी देखिए सॉरी नोड डैश वी लिखिए। तो यहां पे आपको मिलेगा V29, मतलब यहां देखिए वो नोड का वर्जन है। अगर आपको ये मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि आपका नोड सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है। दो डैश नहीं, एक ही डैश है गाइस, गलती से दो हुआ। नोड डैश वी, नोड डैश वी का मतलब नोड वर्जन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं नोड, सॉरी नोड वर्जन VAR, ठीक है, नोड डैश वी ही लिखिए, बेटर है, राइट। ये V20 मतलब नोड का हमारा ये वर्जन हमने इंस्टॉल किया है, इट इज ट्रू, क्लियर। उसके बाद में देखिए, राइट, सो इफ यू गेट अ फॉलोइंग टाइप ऑफ स्क्रीनशॉट, फॉलोइंग टाइप ऑफ आउटपुट, दैट इज, ये अगर आपको मिलता है गाइस, ये वाला, ये अगर आपको यहां पे मिलेगा, यू कैन कंसिडर योर नोड वर्जन गेट इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। यहां पर हम ये मानते हैं कि हमारा नोड का वर्जन सक्सेसफुली क्या हुआ है, इंस्टॉल हुआ है। ओके, इज इट क्लियर, ऐसे हो गया। देखिए जैसे नोड का वर्जन आपने चेक किया, क्या होता है, देखिए व्हेन वी इंस्टॉल नोड, व्हेन वी इंस्टॉल नोड, राइट, देन वी गेट एनपीएम ऑटोमेटिकली, बिकॉज एनपीएम टूल प्रेजेंट इन अ नोड जेएस सेटअप, मतलब एनपीएम को हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे भी नोड इंस्टॉल होगा, ऑटोमेटिकली एनपीएम इंस्टॉल होता है, इज इट क्लियर। अभी गाइस ये एनपीएम क्या है, नोड क्या है, मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना के दूंगा इंटरव्यू क्वेश्चन के सीरीज में, राइट। सो इफ यू वॉन्ट टू चेक द वर्जन ऑफ एनपीएम, देखिए, सो इफ यू वॉन्ट टू चेक वर्जन ऑफ एनपीएम, वी हैव अ फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स है, सबसे पहले ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, एंड वी हैव टू टाइप द फॉलोइंग कमांड, टाइप द फॉलोइंग कमांड, ऐसे लिखिए एनपीएम npm डैश वी, यहां पे आप आइए npm डैश वी। देखिए ये नोड पैकेज मैनेजर का एक वर्जन है। अभी नोड पैकेज मैनेजर क्या है, उसका यूज क्या है, हम आगे देखेंगे, बट इतना तो कंपलसरी है कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको आपके मशीन में नोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना इंपॉर्टेंट है, जो हमने किया। उसके बाद क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशंस, देखिए इफ यू वांट टू क्रिएट अ रिएक्ट एप्लीकेशन, क्रिएट अ रिएक्ट एप्लीकेशन, वी हैव अ फॉलोइंग कमांड और वी हैव फॉलोइंग स्टेप्स। अगर आपको रिएक्ट का एप्लीकेशन अगर बनाना है, तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एक, सेकंड आपको जिस लोकेशन पे प्रोजेक्ट बनाना है वहां पे आप जाइए। जैसे मैं यहां मेरे डी ड्राइव में आता हूं और यहां पे एक फोल्डर बनाते हैं रिएक्ट वीडियो एग्जाम्पल्स, मुझे इसके अंदर, ये मेरा वर्क स्पेस है,
इसके अंदर सारे रिएक्ट के एग्जांपल्स बनाने हैं। जस्ट वेट, कुछ तो जस्ट वेट। यस, मुझे इसके अंदर सारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो मैं यहां इस पाथ को कॉपी करता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके यहां सीडी और पेस्ट करूंगा, और यहां पे आप लिखिए डी एस ए, फिनिश। देखिए उसके बाद गो वेयर, राइट, यू वांट टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, आप उस लोकेशन पे जाइए आप जहां प्रोजेक्ट बनाना है। तो मेरे केस में मेरा ये लोकेशन है जहां पे मैं प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूं, तो मैं यहां पे आ गया सीडी कमांड देके। यहां एंड देन थर्ड वन इज टाइप द कमांड, टाइप द गिवन कमांड। आपको एक कमांड देनी है, जस्ट वेट, आपको ऐसे लिखना है एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड प्रोजेक्ट नेम। देखिए गाइस, आप यहां एनपीएम भी इंस्टॉल कर, एनपीएम यूज कर सकते हैं, एनपीएक्स भी कर सकते हैं, बट मैं एनपीएक्स करूंगा और बाद में मैं आपको समझाऊंगा एनपीएम और एनपीएक्स के अंदर क्या अंतर होता है। यहां पाइए, यहां लिखिए एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप फर्स्ट, यहां आइए, जस्ट वेट। जैसे कमांड टाइप करेंगे और आपको ऐसे स्क्रीन क्रिएटिंग ऐसा अगर मिलता है आउटपुट, तो मान लीजिए कि रिएक्ट अपनी लाइब्रेरीज को एग्जीक्यूट कर रहा है। गेटिंग गाइस, जस्ट वेट। यस, ये प्रोसेस होने के लिए थोड़ा समय लगता है गाइस, तब तक मैं मेरा वीडियो पॉज कर रहा हूँ। आपको जब भी आप आपके मशीन के ऊपर ये प्रोसेस करेंगे तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं। यहां पे आप देखिए गाइस, जब आपको यहाँ पे ऐसे सीडी प्रोजेक्ट का नाम, एनपीएम स्टार्टर, हैप्पी हैकिंग, हैप्पी हैकिंग नाम का जब मैसेज मिलता है, तो मान लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट सही तरीके से बना है। गेटिंग, ओके, तो देखिए लगा, तो ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए। जब इतनी सारी स्क्रीन्स, यहां से सारे कमांड्स जब रन हो जाएंगे, पूरे पैकेजेस जब इंस्टॉल करेगा, तो मान लेना कि आपका प्रोजेक्ट सही तरीके से बन गया है। देन वी हैव अ थर्ड स्टेज, रन द एप्लीकेशन। यहां मैं एक एग्जांपल लिखता हूं ऐसे, एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप फर्स्ट, रन द एप्लीकेशंस। देखिए, इफ यू वांट टू रन द एप्लीकेशन यूजिंग अ रिएक्ट, वी हैव अ फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला, एंटर इन अ फोल्डर, एंटर इन अ प्रोजेक्ट फोल्डर। आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एंटर करना है सीडी, और यहां आपको लिखना है फर्स्ट। देखिए, मैंने सीडी फर्स्ट क्यों लिखा, क्योंकि देखिए मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है फर्स्ट, इसीलिए मैंने सीडी फर्स्ट लिखा। चेंज डायरेक्टरी मतलब मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आ गया। देखिए, यहां आपको ये कमांड ऐसे करनी है, मैं यहां स्क्रीनशॉट देता हूं ऐसे। Sorry, ये, I can't do that. राइट, ये है। उसके बाद सेकंड स्टेज ये होगा, टाइप द कमांड npm start, n स्मॉल चाहिए यहां, तो आप यहां आइए, यहां आने के बाद npm start लिखिए। जैसे भी एनपीएम स्टार्ट आप करते हैं तो आपका सर्वर स्टार्ट होता है। अभी एनपीएम क्या है मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा, इतना याद रखिए। और सर्वर स्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका ब्राउजर रन होगा और प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के लिए स्टार्ट हो रहा है। जस्ट वेट। देखिए गाइस, एनपीएम स्टार्ट करने के बाद अगर आपको ये वाला स्क्रीन मिलता है, तो आप ये मान लीजिए कि आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट सही तरीके से बन चुका है। यस,
इफ वंस वी स्टार्ट वंस वी टाइप दिस कमांड वंस वी टाइप दिस कमांड यस वंस वी टाइप दिस कमांड एंड इफ यू गेट अ फॉलोइंग आउटपुट इन ब्राउजर यू कैन कंसिडर राइट योर रिएक्ट एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेड अ सक्सेसफुली और क्रिएटेड अ सक्सेसफुली. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा स्क्रीन है गाइज? वो यहाँ पे आप आइए और ये वाला स्क्रीन अगर आपको मिल जाता है ठीक है, तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट सही तरीके से बन चुका है. गेटिंग गाइज? सो चलिए आगे अभी हम डिस्कस करते हैं. ओके okay?